समझती हूँ इतिहास की जो घटना हुई थी, कर्णवती ने राखी बांध करके गुजरात के बादशाह से अपनी रक्षा की कामना की थी, तो उससे पूर्व भी जो यजमान होते थे उनके हाथों में जाकर के जो अपने जिनका वो जिनके यजमान होते थे उनके हाथों में जाकर के वो रक्षा सूत्र बांधते थे। आप देखेंगे बहुत प्राचीन काल में चले जाएंगे तो यजमानों को ये संदेश होता था जो यज्ञ कराने वाले होते थे, ये ऋत्विक जो है वो यजमानों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, उनसे संकल्प लेते थे कि रक्षा वेदों की रक्षा करना आपका धर्म है, आप वेद रक्षा के पावन व्रत में मैं आपको बांध रहा हूँ। जैसा कि इस गीत के अंदर कहा, वैदिक काल से भारत यजन इसे बनाते आते, वेदों के रक्षा हित कर में रक्षा सूत्र बनाते। तो इस प्रकार से ये पावन परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इन पंक्तियों से ये भी पता लगता है कि ये पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है, वेद स्वाध्याय के रूप में मनाया जाता रहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना। तो आज उसके साथ दूसरे भी बहुत सारी घटनाएं जुड़ गई हैं, वो रक्षा का जो वेद की रक्षा का कार्य है, बहन भाई, भाई के द्वारा बहन की रक्षा का, और बड़े लोगों के द्वारा छोटों की रक्षा की जो एक पावन परंपरा है वो सदा आगे बढ़ती रही।